नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सरकार के विकास बहुत है, उसमें से कुछ विकास को समाज के बीच में रखते डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी का कहना है कि महंगाई मुक्त और रोजगार युक्त भारत चाहते हैं तो भारत गौरव माननीय संतोष कुमार यादव जी की सरकार ने और भारतीय जननायक पार्टी की सरकार बनाए। सबको प्रणाम, राम राम। हमारी सरकार ने हमारे देश में जो विकास किया वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सुंदर है। वह पहला विकास जिलाओं के नाम चेंज करना, दूसरा विकास स्टेशनों के नाम चेंज करना, तीसरा विकास चीता खरीद के लाना, चौथा विकास उनके भोजन के लिए हिरण लाना, पांचवा विकास मोर को दाना खिलाना और छठवा विकास सारस को जंगल में छुड़वाना, सातवां विकास महंगाई बढ़ाना, आठवां विकास युवाओं को बेरोजगार करना, नौवां विकास समाज को 5 किलो अनाज पर आश्रित करना, दसवां विकास घर घर में कटोरा पहुंचाने का काम करना, ग्यारहवां विकास EDCID का इस्तेमाल करना, बारहवां विकास गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाना, 13वां विकास सरकारी जमीनों को खाली कराना और 14वां विकास उस जमीन पर अपने कार्यालय बनाकर और खाली जमीन को अपने लोगों को बांटना, 15वां विकास देश के संस्थानों को बेचना, 16वां विकास भारतीय हटाकर किसी भारतीय इंसान के नाम से संस्थाओं को चलाना, इस तरह के तमाम विकासों से भरा पूरा परिवार है भारतीय जनता पार्टी। यह विकास बहुत ही उत्तम है, इससे बड़ा विकास हो नहीं सकता। शिक्षा चिकित्सा का महंगा हो जाना।